अपने ही ससुर से पैसे के लेन देन के चलते विवाद में दामाद ने ससुर पर गोलियां बरसा दी और फरार हो गया। नजफगढ़ थाना पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने इस कलयुगी दामाद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दामाद की पहचान विकास उर्फ विक्की जॉनी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिस्तौल और कारतूस बरामद किया है। द्वारका जिले की DCP एम हर्षवर्धन ने बताया है कि नजफगढ़ थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि जयविहार इलाके में गोलीबारी की वारदात हुई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्राइम टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके से एक खाली कारतूस बरामद कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया। ससुर ने पुलिस को बताया है कि आरोपी व्यक्ति उसका दामाद है। पुलिस ने दामाद के घर पर छापेमारी की और उसे अध्यापक कॉलोनी नांगलोई से पकड़ लिया गया। अपने सगे ससुर से पैसों को लेन देन को लेकर दामाद को इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने ससुर पर ही गोलियां चला दी। अब पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है और पहुंचा दिया है जेल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश आवा, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।